जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुके हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस तरह से दिया जाता है, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करें, क्या चीज़ों के लिए हम पहले से तैयारी करके चलें, जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उस जगह पर हमें किस तरह के मोड में ये एग्जामिनेशन होगी, क्या ये थ्योरेटिकली होगी, क्या ये ओरली होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी बातें हैं वो सब बातें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। और प्राइमरीली जो सवाल स्टूडेंट के रहते हैं वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में शो हो रहे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, इस एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं, इस एग्जाम के लिए क्या क्या साथ में लेके जाना पड़ता है, इन केस ये एग्जाम नहीं देते हैं तो इसका असर हमारे रिजल्ट में क्या पड़ता है, और इस एग्जाम को पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दैट मींस किस तरह की इसकी प्रिपरेशन होती है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इस एग्जामिनेशन को पास करने की, वही सब चीजें यहाँ पर आपको इस बारे में दिखाई जाएंगी। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर दे दूं कि NIOS ने 22 अगस्त सन 2022 को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप सभी को मालूम होगा कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि NIOS के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें अनुचित माध्यमों से या अनुचित तरीकों से बच्चों को ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम में पास करा दिया जाता था कई स्टडी सेंटर्स के द्वारा। तो इन सब बातों पर नकेल कसने के लिए NIOS ने यहाँ पर अपनी तरफ से एक थोड़ी सी पहल करी है, जिसमें अब NIOS क्या करेगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डेप्यूट ऑब्जर्वर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो डेप्यूट ऑब्जर्वर का मतलब एक NIOS की तरफ से एक अधिकारी वहां पर नियुक्त करा जाएगा जो इन सब चीजों का सर्वेलेंस करेगा, दैट मीन्स इन सब चीजों की निगरानी करेगा कि भाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या किसी गलत तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्कूल की मनमानी जो है वो एक तरह से यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो आप सभी को इससे सचेत हो जाना चाहिए कि जो NIOS का प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए आप अपनी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करके चले, ठीक है। बाकी और चीजें भी हैं इस नोटिफिकेशन में कि जो अवार्ड शीट है उसको भी वो लोग अपने तरीके से और RD से वेरीफाइड करा के ही NIOS में भेजे, वो आपके इंपॉर्टेंस की नहीं है, फिर भी बता दूं अवार्ड शीट एक वो पेपर होता है जिसमें बच्चों के जो मार्क्स होते हैं उनको लिखा जाता है, पर्टिकुलर हर बच्चे के नाम के आगे उसके मार्क्स वहां पर कागज में लिखे जाते हैं, तो वो जो कागज का टुकड़ा होता है उसे ऑफिशियली अवार्ड शीट कहा जाता है। तो वो NIOS के हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा, तो उससे पहले जो रीजनल सेंटर का RD होता है, रीजनल डायरेक्टर, वो उसमें अपना काउंटर साइन करेगा, ठीक है। बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपना ऑब्जर्वर वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर में डेप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए थोड़ी बहुत जो ईमानदारी है वो कितनी जरूरी होती है, ठीक है। तो अपनी ईमानदारी के साथ अपने एग्जामिनेशन को आपने देना है, ये चीज मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे आप देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो आपकी मार्कशीट बन के आती है फाइनल में, फाइनल में जब आप पास हो जाते हैं तो इस तरह का आपका स्कोर कार्ड आपको दिखता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये देखिए जिन सब्जेक्ट के आगे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है ना, इसके नीचे देखिए आप यहाँ पर मार्क्स कैरी हो रखे 52, 63, 09। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी ओरिजिनल मार्कशीट में शो होते हैं, दैट मींस कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसको अगर आप नहीं देते हैं किसी कारणवश तो आपके रिजल्ट पे भी फर्क पड़ता है, और SYCP नाम से एक चीज होती है जिसके तहत आपका रिजल्ट रोक दिया जाता है। पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का, मान लेते हैं आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में नहीं है, तो आपको उसमें फेल माना जाता है SYCP लिख करके, सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। उस सूरत हाल में आपको दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत ईजी है, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है सबसे पहले उसकी एक क्वेश्चंस की PDF निकलती है, मतलब ये तो कॉमन सी बात है भाई, अगर हम प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं तो हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनको हमने सॉल्व करना होता है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग होती है, मैं यहाँ पर हर एक फाइल को खोलूंगा तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर होम साइंस की बात करूं तो उसमें आपको कुछ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने उसको लिखना है और उसके पूरे सॉल्यूशन आपने उस फाइल में नीचे उतारने हैं, ठीक है। और इन केस अगर किसी को अभी तक वो नहीं मिली है कि भाई उसके सब्जेक्ट रिलेटेड जो उसके प्रैक्टिकल
के वो है मैनुअल्स, वो सब आप हमसे मांग सकते हैं। वो नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको उसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल ऐसी बनती है, कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवालों के आपने जवाब एक फाइल में उतारने होते हैं, और उनको आपने जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो जो आपने उसमें एक्सपेरिमेंट करा है या जिस तरह से आपने ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने एक फाइल में बनाए हैं उनको आपने वहां पर शो करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कुछ एक उसमें आपके क्वेश्चंस पेपर भी होते हैं, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है किस तरह से आप जब हमसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ मांगेंगे जिसमें आपका प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस या एक्सपेरिमेंट्स लिखे होंगे, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि आपके उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें आपके साथ होंगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है। कैसे होता है का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपका हॉल टिकट है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है जो पर्टिकुलरली, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज आपके लिए डेट्स लिखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर होम साइंस को ही ले लेते हैं, होम साइंस का लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके आगे डेट्स कुछ ऐसी होंगी भाई 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक। तो अब स्टूडेंट बोलते हैं इसके बीच में हमारा एग्जाम कब है, हमें क्या पता। तो ये क्या करता है, स्कूल जो होता है आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम करा रहा है, ये लोग बच्चों के क्या बनाते हैं, बैचेस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10-10 बच्चों के इन्होंने लॉट बना दिया, अगर टोटल 30 बच्चों का सेंटर है वो, तो इन 3 दिन में ये 10-10 करके ऐसे करके बच्चों को बुला लेंगे। अब आप कौन से लॉट में आ रहे हैं इसकी जानकारी आपको वो ही एग्जामिनेशन सेंटर बताएगा, तो पहले जाकर के विजिट कर लें। इस केस में जैसे मैंने 19 तारीख लिखी है, तो भाई आप 18 तारीख को ही अपने वहां जाकर के मालूम कर लें कि भाई मेरा प्रैक्टिकल कौन से वाले लॉट में या बैच में है, या उन्होंने उनके नोटिफिकेशन जो होता है उनका पट उस पर चस्पा कर रखी होगी, पेस्ट कर रखी होगी एक नोटिफिकेशन टाइप के बच्चों के नाम के साथ। फिर भी नहीं मिलती है तो स्कूल का जो NIOS कोऑर्डिनेटर है उससे बात कर लेना, वो बता देंगे आपको। ठीक, तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, उसमें यही है कि बच्चों के बैचेस बने होते हैं और पर्टिकुलर जिस बैच का जो बच्चा है वो अपने फाइल्स के साथ वहां पर प्रस्तुत होता है, रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड ही सवाल जवाब वहां पर आपसे वाइवा के तौर पर भी पूछे जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो टोटली जो मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर सब्जेक्ट में, ये आपका 15 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो आपने फाइल बनाई है, जो सब्जेक्ट की फाइल है, उसी में आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपने उसमें सॉल्व करे हैं उन्हीं से रिलेटेड चीजें वो आपसे वहां पर पूछेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या लेके जाते हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेंटिंग का है तो भाई उसमें आप पेंट ब्रश और पेंटिंग के जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं आपकी, उन सब चीजों को आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो डिपेंड करता है ये भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो उसमें जैसे जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसमें उसकी चीजें आपकी सारी लिखी रहती हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो इन सब चीजों के आधार पर ही आप वहां पर उस चीज का एक तरह से प्रैक्टिकल शो करते हैं जो भी आपने करा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मार्कशीट दिखा करके समझा दिया था, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया तो आपकी मार्कशीट पे SYCP करके लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें आपको एक तरह से फेल या टोटली पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल पास करना अनिवार्य होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना भी इम्पोर्टेंट होता है। आगे चला जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे पास होते हैं। इसके एग्जामिनेशन को पास करने का बच्चों सिंपल तरीका यह है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप इस चीज को पहले से ही घबराएंगे इस चीज को लेकर तो ये और भी आपको डराएगी। आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके प्रैक्टिकल्स के मैनुअल्स हैं आपने उसको एक फाइल में नोट करना है, कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट्स को आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो वहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो आपसे एक दो वाइवा के सवाल उससे पूछता है, या जैसे मान लो अगर आप डेटा एंट्री का कर लेते हो
डेटा एंट्री का देते हो, तो सिस्टम में आपको बिठा करके कुछ एक चीजें वो आपसे करवाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर डेटा एंट्री का है तो उसमें आपसे एक्सेल, इस तरह की चीजें जो होती हैं, एमएस वर्ड वाली चीजें, उन सब चीजों से रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल हैं, सबके मार्क्स अलग अलग हैं। ऑलमोस्ट कुछ एक जगहों में जैसे मैं आपको बताऊँ 15 मार्क्स का होता है, और जैसे डेटा एंट्री वगैरह है तो इनके मार्क्स थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना। तो डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसके जो आपको दे रखे हैं प्रैक्टिकल्स करने को, उसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। तो बहुत इजी होता है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल होंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसमें आपको बहुत इजीली यहाँ पर बातें समझा दी जाएंगी, ठीक है, अगर फिर भी आपको बातें समझ में नहीं आई है तो। और इस बारी की जो डेट शीट है वो यहाँ पर ये है आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, और ये भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये हाँ लगभग ये 19, ये कितना 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग 1 अक्टूबर तक चल रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। और नहीं भी आपके पास डेट शीट है तो हमें व्हाट्सएप कर लेना, ये आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये सब बातें रही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो भी है मैंने आपको बता दी मोटे मोटे तौर पे बात, कि इस साल से जो है आपका एनआईओएस एक ऑब्जर्वर भी भेज रहा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर में कि फेयर तरीके से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाए प्रैक्टिकल के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हर सब्जेक्ट की अपने अलग से एक क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सबके अलग अलग होते हैं, वो आपको एक फाइल्स में एक्सपेरिमेंट को शो करना है, और उस फाइल को लेकर जब आप अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो उस वाली फाइल से ही रिलेटेड जो आपने एक्सपेरिमेंट उसमें लिखे हैं वो आपसे सवाल भी पूछते हैं, वाइवा जिसे कहते हैं। और इन केस अगर आपका कंप्यूटर या डेटा एंट्री जैसा सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकली सिस्टम में बिठा करके एमएस एक्सेल वर्ड, इस तरह की जो ये चीजें हैं, इन सबको भी आपको थोड़ा बहुत वहां पर कराने को बोला जाता है। तो ये सब बातें हैं, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ सवाल होगा तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर, ओके।